सोमवार को ज्ञान वापसी के सर्वे रिपोर्ट पर फैसला सुना सकता है वाराणसी जिला कोर्ट। कोर्ट कमिश्नर ने आज ही कोर्ट में पेश की है 12 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट, 2500 तस्वीरें, 11 घंटे की वीडियोग्राफी शामिल। कोर्ट कमिश्नर ने वाराणसी अदालत में पेश की ज्ञान व्यापी सर्वे रिपोर्ट। 15 पन्नों की रिपोर्ट में प्रमुखता से शिवलिंग का जिक्र, 2500 तस्वीरें, 11 घंटे की वीडियोग्राफी भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 3 बजे फिर से करेगा सुनवाई, तब तक के लिए लोअर कोर्ट की सुनवाई पर रोक। ज्ञानवापी सर्वे में कोर्ट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह ने सुरक्षा को लेकर जताई सुरक्षा की चिंता। विशाल सिंह ने कोर्ट में सुरक्षा की चिंता जाहिर की। विशाल सिंह ने जान को खतरा भी बताया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज होगी सुनवाई। वजूखाना पर और मस्जिद की दीवारें तोड़कर सर्वे कराने समेत 2 याचिकाओं पर सुनवाई। ज्ञानवापी पर पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की लीक रिपोर्ट में दावा, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, शेषनाग सिंदूर कमल आकृति का जिक्र। अजय मिश्रा की रिपोर्ट में शिलापट पर कमल की आकृति का जिक्र, रिपोर्ट में दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों के अवशेष होने का भी जिक्र। ज्ञानवापी सर्वे टीम के सदस्य सोहन लाल आर्य का बयान, कहा पूरा सर्वे हिंदू पक्ष के समर्थन में है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना ने दाखिल किया जवाब, कहा मुस्लिम पक्ष ने कई तथ्य कोर्ट में छिपाए, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिवलिंग वाले दावे की जगह की सुरक्षा कड़ी। शिवलिंग वाली जगह पर प्रशासन की तरफ से लगाए गए 9 ताले। विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही शिवलिंग निकलने को झूठा प्रोपेगेंडा बताया। ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकार और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव मोहम्मद यासीन का बड़ा बयान, कोर्ट जो निर्णय देगा वो हमें स्वीकार होगा। ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव का बयान, कहा हिंदू धर्म में कहीं पत्थर रख दो, सिंदूर रख दो, मंदिर बन जाता है। अखिलेश यादव के हिंदू संस्कृति पर विवादित बयान को लेकर कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन, पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। यूपी विधानसभा का पूरा काम अब पेपरलेस होगा, सभी विधायकों के टेबल पर टैबलेट लगाए गए। 23 मई से शुरू हो रहा है विधानसभा का बजट सत्र। लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी का बयान, आवाज तय मानक से ज्यादा तो होगी सख्त कार्रवाई, यूपी में सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज। यूपी में आज से शुरू हुआ सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी के सख्त आदेश, यातायात नियमों के कड़ाई से पालन की व्यवस्था सुनिश्चित करें अधिकारी। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर मथुरा सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर याचिका मंजूर, अब निचली अदालत में चलेगा केस। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव का दावा, ईदगाह में जहां नमाज अदा की जाती है वो भगवान श्रीकृष्ण का गर्भगृह। ज्ञानवापी केस में बीएचपी नेता सुरेंद्र जैन का मुस्लिम पक्षकारों पर आरोप, कहा मुस्लिम पक्षकार अटकाने लटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में बोले हथियाराम मठ के महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज, कहा जिसकी लाठी उसकी रही है, भैंस मुगलों ने मंदिरों का ये हाल किया, ज्ञानवापी मुद्दा राम मंदिर मुद्दे से भी सरल तरीके से हल हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय का बयान, कहा मंदिर के फाउंडेशन का काम पूरा, बाकी मंदिर निर्माण भी तय समय पर पूरा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को पड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, करीब 2 साल से जेल में बंद है आजम खान। ज्ञानवापी विवाद के बीच सीएम योगी का ट्वीट, विभाजित होकर बोलने पर दुनिया दबाने का कार्य करती है, एक साथ भारत दुनिया के सामने सबसे बड़ी ताकत। महिला सशक्तिकरण को लेकर योगी सरकार का फैसला, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की जिला इकाई का होगा गठन, सभी जिलों में होगा संगठन की इकाई का गठन। मथुरा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अयोध्या की रामलीला की तर्ज पर होगा कृष्ण लीला का मंचन, कलाकारों और साहित्यकारों के नाम पर रखे जाएंगे मार्गों के नाम। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में लोअर कोर्ट में चलेगा केस, कोर्ट ने स्वीकारी रिवीजन पिटीशन, 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग, जमीन को ईदगाह से मुक्त कराने की मांग। मथुरा विवाद पर ओवैसी का भड़काऊ ट्वीट, लिखा देश में कानून का कोई मतलब नहीं रहा, मुस्लिमों को नीचा दिखाने की हो रही है कोशिश। जौहर यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंग की जाएंगी ध्वस्त, जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी को दिया नोटिस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित 2 बिल्डिंग गिराई जाएंगी।
रायबरेली में अखिलेश यादव पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का हमला, बोले अखिलेश यादव की बुद्धि पर पड़ गए हैं पत्थर। अखिलेश ने ज्ञानवापी मामले पर दिया था बयान। ज्ञानवापी विवाद पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कोर्ट का आदेश माना जाएगा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर कहा, मुस्लिम आक्रांताओं ने कब्जा कर किया था निर्माण। बीएचपी का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप, हिंदुओं को अपमानित करने का लगाया आरोप, कहा पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं अखिलेश। विधायक अभिजीत सिंह सांगा का ज्ञानवापी मामले पर ट्वीट, लिखा पांच गांव नहीं दिए तो पूरा राज्य खोना पड़ा दुर्योधन को, हमने भी तीन मंदिर मांगे थे, तुम नहीं माने, आप तैयार रहो सारे मंदिर वापस लेंगे। बिजनौर में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सड़क पर अफसरों की फौज चेकिंग करती नजर आई, जिस दौरान स्कूली बच्चों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। जौनपुर पुलिस ने सराफा व्यापारी की हत्या का खुलासा कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों की निशानदेही पर लूट का माल बरामद। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज बस की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत, पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी। कासगंज पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर दो हत्याओं का किया खुलासा, हत्यारोपी की निशानदेही पर महिला का कंकाल बरामद। नोएडा में अथॉरिटी की अवैध निर्माण पर कार्रवाई के विरोध में मंत्री नंद गोपाल नंदी का, विरोध करने पहुंचे किसानों को अफसरों ने समझा बुझाकर हरोला बारात घर भेजा। ललितपुर में भी शासन की चेतावनी का असर, अब तक 500 अपात्र लोगों ने थाने पहुंचकर राशन कार्ड सरेंडर किए। जालौन पुलिस ने असलहों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर तीन तस्करों को 9 अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में पूर्व सांसद उमाकांत यादव पर पुलिस का शिकंजा, उमाकांत की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। शाहजहांपुर में ईंट भट्टे पर चला बुलडोजर, लाखों का कच्चा ईंट किया गया नष्ट, प्रशासन की कार्रवाई से भट्टा मालिकों में मचा हड़कंप। लखनऊ में महापौर का सफाई व्यवस्था का निरीक्षण जारी, लापरवाही दिखने पर मेयर संयुक्ता भाटिया ने लगाया 1 लाख का जुर्माना, कारदायी संस्था वीआईपी सिक्योरिटी पर लगाया जुर्माना। गाजीपुर में चलती स्कूटी में लगी आग, आग लगने का वीडियो वायरल, स्कूटी सवार ने किसी तरीके से बचाई जान, महुआ बाग मार्केट में हुआ हादसा। लखीमपुर में गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा, धुधुकर कार जलकर हुई खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक और स्कूटी को मारी टक्कर, बाइक को टक्कर मारने के बाद डिवाइडर से टकराई कार, सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग जख्मी। निठारी कांड के 16वें मामले में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा, 2006 में गाजियाबाद के निठारी में नरकंकाल मिलने का मामला, नाले में मिला था नरकंकाल। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशुपालन निदेशालय का निरीक्षण किया, इस दौरान विभागीय मंत्री ने 100 दिन में किए गए कार्यों की पूरी जानकारी दी। शाहजहांपुर पुलिस ने ऑपरेशन पड़ताल के तहत 24 घंटे में 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया, अफसरों के मुताबिक आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आपसे इस्तीफे के बाद कर्नल अजय कोठियाल के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज, भूपेश उपाध्याय भी थाम सकते हैं बीजेपी, सूत्रों के वाले से खबर। जून के पहले हफ्ते में हो सकता है उत्तराखंड का बजट सत्र, बजट सत्र के लिए तय हुए मंत्रियों के जवाब देने के दिन सोमवार को सीएम धामी सदन में देंगे सवालों के जवाब। 4 महीने बाद जेल से रिहा हुए जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, हेट स्पीच मामले में जितेंद्र त्यागी की हुई थी गिरफ्तारी। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद, यात्रियों की अधिक संख्या के चलते रजिस्ट्रेशन बंद, करीब 15 लाख श्रद्धालुओं का हो चुका है रजिस्ट्रेशन। चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी के कपाट खुले, वैदिक मंत्रोच्चारण एवं धार्मिक रीति रिवाजों के साथ ब्रह्म मुहूर्त में आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए कपाट। ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना, राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम धामी ने जत्थे को रवाना किया। उत्तरकाशी भटवाड़ी की रहने वाली पर्वतारोही सविता कंसवाल ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की पूरी, 24 साल की उम्र में एवरेस्ट फतह कर बेटी ने उत्तरकाशी का मान बढ़ाया। पौड़ी में पुलिस भर्ती रांसी मैदान में शुरू हो गई है, जिसे निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाने के लिए एसएसपी निगरानी कर रहे। पुलिस भर्ती के दौरान कांस्टेबल ने पत्नी की जगह अन्य महिला को फिजिकल टेस्ट में कराया शामिल, एसएसपी ने आरोपी सिपाही को किया सस्पेंड। प्री मॉनसून और आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए नैनीताल के डीएम ने जिला स्तर पर कंट्रोल रूम तत्काल खोलने के निर्देश जारी कर दिए। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का 15 मीटर हिस्सा धसा, मार्ग में फंसे सैकड़ों यात्री, लगभग 3000 यात्री बड़कोट और सियाना चट्टी के बीच फंस गए।
उत्तराखंड स्पेस साइंस एप्लीकेशन सेंटर प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए अनोखा तरीका खोजने का दावा कर रहा है। चीड़ के पत्तों से पत्तल बनाने की कह रहे हैं बात। भारत में 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ पूरा। IIT मद्रास में हुआ परीक्षण। परीक्षण के मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। भारत में इस साल सितंबर अक्टूबर से स्वदेशी 5G सेवा हो जाएगी शुरू। 5G के जरिए तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होने की संभावना। पीएम मोदी 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिट में होंगे शामिल। टोक्यो में क्वाड लीडर्स के बीच होगा चौथा पारस्परिक संवाद। LAC विवाद पर विदेश मंत्री का बयान, कहा LAC को लेकर चीन से बातचीत जारी, सीमा मुद्दा सुलझाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया को पीएम मोदी देंगे बड़ा तोहफा, उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी और ऐप की कर सकते हैं लॉन्चिंग। जून में महाकाल की नगरी आएंगे पीएम मोदी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्वराज से नया भारत पर 3 दिवसीय सेमिनार, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत। राहुल गांधी फिर गए विदेश, कांग्रेस के चिंतन शिविर से ठीक पहले विदेश से लौटे थे राहुल गांधी, चिंतन शिविर के बाद फिर गए विदेश। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले CM भगवंत मान, पंजाब में सीमा सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर हुई चर्चा। टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार, 25 मई को यासीन मलिक की सजा पर होगी बहस। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पकड़े गए 5 आतंकी, 5 पिस्टल, 23 ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद, बारामूला में कई बड़े हमलों में थे शामिल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए हमले में बुर्का पहने आतंकी पर शक, CCTV में बाइक पर बुर्के में बैठा दिखा संदिग्ध। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों का प्रदर्शन, घाटी में हो रही आतंकी हमलों में हत्याओं के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने DTC बसों को लेकर आम आदमी पार्टी पर किया हमला, बोले DTC बसें ले रही है लोगों की जान, पिछले 1 महीने में 6 बसों में लग चुकी है आग। दिल्ली नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से हेरोइन लाकर दिल्ली में सप्लाई करता था आरोपी। सूत्रों के हवाले से खबर, लद्दाख के करीबी इलाके में तैनाती बढ़ा रहा है चीन, कुछ महीनों में 3 गुना बढ़ी चीन के बेस कैंपों की संख्या। गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर चलती कार बनी आग का गोला, सिग्नेचर टावर के पास कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। महंगाई के मोर्चे पर एक और झटका, घरेलू LPG सिलेंडर 3.5 रुपए महंगा, पूरे देश में घरेलू LPG सिलेंडर 1000 के पार। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर, कोपिली नदी बीते 2 दिनों के खतरे के निशान से ऊपर। बेंगलुरु में जोरदार बारिश के बाद जगह जगह सड़कों पर भारी जलभराव, गर्मी से मिली लोगों को राहत। बेंगलुरु में भारी बारिश के बीच CM बोम्बई ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से की मुलाकात, व्यापारिक संबंधों को लेकर हुई चर्चा। भारत की मदद के बाद श्रीलंका भी तेल की किल्लत से जूझ रहा है, पेट्रोल डीजल के लिए फ्यूल स्टेशन पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी। भारत की सैन्य सहायता कर सकता है अमेरिका, जानकारी के मुताबिक मदद के पीछे रूसी हथियारों पर भारत की निर्भरता घटाना अमेरिका का मकसद। मैक्सिको की सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता, अमेरिका तक जारी एक सुरंग का खुलासा, सुरंग के जरिए भेजी जाती थी ड्रग्स, प्रशासन ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की मार झेल रहा ब्रिटेन, अप्रैल महीने में 9% तक पहुंची महंगाई दर, पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई। एस्टोनिया ने अमेरिका की सेनाओं के साथ शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, एस्टोनिया के 15,000 सैनिक अभ्यास में शामिल। चिली के सैंटियागो में बड़ा हादसा, मेट्रो के एक डिब्बे में धमाके की वजह से लगी आग, मेट्रो के डिब्बे में बिजली की खराबी से हुआ हादसा, कई स्टेशनों पर बंद की गई मेट्रो सर्विस। पेरू में मिले 70 लाख साल पुराने मगरमच्छ के अवशेष, वैज्ञानिकों के मुताबिक पाए गए अवशेषों से ये पता चल पाएगा कि मगरमच्छ की वर्तमान प्रजाति पहली बार समुद्र से जमीन पर कैसे आई। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 85वां दिन, अजोवत्सल स्टील प्लांट पर रूस लगातार कर रहा है मिसाइल अटैक।
अमेरिका ने राजधानी कीव में फिर खोला अपना दूतावास। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा, हम हर वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हैं। उत्तरी यूक्रेन में रूसी सेना कर रहा ताबड़तोड़ बमबारी। चेनहीव में यूक्रेन की सेना को निशाना बनाकर बरसा रहा बम। मिलिट्री बेस में तबाही का दिखा मंजर। कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन। अनुराग ठाकुर ने कहा, हमारे पास सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, सिनेमा है। जिसने भी भारतीय पवेलियन देखा वो बोला मोगैम्बो खुश हुआ। कान फिल्म फेस्टिवल में जेलेंस्की का संबोधन। चार्ली चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिटेक्टर के जरिए पुतिन पर साधा निशाना। कान्स फिल्म फेस्टिवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंगर मामे खान ने घूमर गाना गाया। गाने की धुन पर दीपिका पादुकोण, तमन्ना भाटिया, उर्वशी रौतेला और पूजा हेगड़े ने जमकर किया डांस। फिटनेस की शौकीन दिशा पाटनी ने शेयर किया खास वीडियो, वर्कआउट करती नजर आई। मलाइका अरोड़ा की नई तस्वीरों ने मचाया तहलका। सोशल मीडिया पर शेयर की नई फोटोशूट की तस्वीरें। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की बढ़ी मुश्किलें। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस।